हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हो, आरआरबी एनटीपीसी जो कि एग्जाम जो है वो आने ही वाले हैं, नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ, करंट अफेयर कराने वाला हूँ। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर आपको सारी पता होनी चाहिए। जितनी भी 2019 की करंट अफेयर है, जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक की, अक्टूबर तक की, जितनी भी आपसे हो सकती है उतनी आप याद कर लीजिए। तो मैं आपको सारी सीरीज़ करा रहा हूँ, जितनी भी है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। तो जनवरी की डाल दी है, फरवरी डाल दी है, मार्च अप्रैल मई तक की मैंने वीडियो डाल दी है। जो ये वीडियो है आज की, ये जून की करंट अफेयर की है। जून में जितने भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आपको बता दूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सारे जो ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर के। इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर जरूर ही आएगा। तो आप इनको पूरी पढ़िए। और आपको इसकी PDF चाहिए या फिर जितने कोई अगर वीडियोज़ के लिंक चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट livestream.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको RRB NTPC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट GK की सीरीज मिल जाएगी। 10 पार्ट डाले हुए हैं उनकी। आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और आपको अगर इनके करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये जून के हैं सारे। मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। थोड़ा वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था। तो अभी मैं जल्दी कंटिन्यू लेके आने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अरोमा मिशन स्टार्टेड बाय विच इंडियन स्टेट। जो अरोमा मिशन है वो स्टार्ट किया, किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था मेघालय के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा। मेघालय स्टेट के अंदर अरोमा मिशन स्टार्ट किया गया था। तो याद रखें, जो मिशन है ये सारे याद कर लें, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं। नेक्स्ट है, फैनी ब्रिज बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। जो फैनी ब्रिज है वो किस स्टेट से, इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है त्रिपुरा से। किससे बिलोंग करता है? त्रिपुरा से बिलोंग करता है फैनी ब्रिज। नेक्स्ट है, फैनी ब्रिज ऑल्सो नोन है, जो फैनी ब्रिज को किसी और नाम से जाना जाता है, किसी अन्य नाम से, वो अन्य नाम क्या है? वो अन्य नाम है मैत्री सेतु। क्या नाम है? मैत्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है फैनी ब्रिज को। तो आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट है, वन सिटीजन वन ट्री। जो ये वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन स्टार्ट किया गया है वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय में एक स्कीम चलाई गई है वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन के नाम से। तो याद कर लीजिए कि मेघालय में चलाई गई है। नेक्स्ट है, माई लाइफ माई मिशन इज़ द ऑटोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है माई लाइफ माई मिशन, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है बाबा रामदेव की। किसकी? बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई मिशन। नेक्स्ट है, वैन वी सेलिब्रेट तेलंगाना डे। जो तेलंगाना डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो वो 2 जून को मनाया जाता है। तो स्टेबेस कब हुआ था तेलंगाना? 2 जून को हुआ था। नेक्स्ट है, फेमस बैडमिंटन प्लेयर ली चोंग वी अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच कंट्री। तो जो ये फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं ली चोंग वी, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये मलेशियन है। कहाँ के? मलेशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट लॉन्च पिंक सारथी। जो पिंक सारथी नाम की स्कीम लॉन्च की है वो किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च की है? वो की है कर्नाटका ने। किसने की है? कर्नाटका में एक स्कीम लॉन्च हुई है पिंक सारथी के नाम से। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो ये खीर भवानी मेला फेस्टिवल चलता है वो कहाँ पर चलता है, कौन से स्टेट में चलता है इंडिया के? तो ये जम्मू कश्मीर में चलता है। कहाँ पर चलता है? जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है इसको, खीर भवानी मेला फेस्टिवल। नेक्स्ट है, इंडियन स्पोर्ट प्लेयर जोशना चिनप्पा बिलोंग टू विच स्पोर्ट। जो इंडियन स्पोर्ट प्लेयर हैं जोशना चिनप्पा, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं? वो जुड़ी हैं स्क्वैश से। किससे? स्क्वैश से। स्क्वैश एक स्पोर्ट है, उससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है, ओरछा बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। जो ओरछा है वो किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से। किससे बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्किप मत करिए, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व ऑन। जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो जैसे मैं आपको बता रखा है, जितने भी थीम है, जितने भी ये सेलिब्रेट मनाए जाते हैं, जो डे मनाए जाते हैं, तो इनकी जो थीम होती है उनको आप याद कर लीजिए। 2019 में जितने भी डे मनाए गए हैं, जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की जितने भी डे मनाए गए हैं, तो उनके बारे में जितनी जो भी थीम होती है, उनकी जो 2019 की थीम है या फिर 2018 की थीम है, वो आप याद कर लीजिए अच्छे से। वो जरूर 100% एक नया क्वेश्चन आने ही वाला है। तो जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया था 14 जून को, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सेफ ब्लड फॉर ऑल। क्या थी? सेफ ब्लड फॉर ऑल। तो याद रखें इसको। नेक्स्ट है, व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। जो वर्ल्ड
बाईसाइकिल डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग है, कौन से स्थान पर है, वो है 141 स्थान पर है। कौन से 141 स्थान पर है, 141 नंबर पर है, नंबर पर है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंट्री, सॉरी फर्स्ट सॉरी विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है तो उसमें इंडिया तो 141 नंबर पर है, और जो फर्स्ट नंबर पर वो कौन सी कंट्री है, वो है आइसलैंड। कौन सी, आइसलैंड कंट्री सबसे फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फेसबुक क्रिप्टो करेंसी कोल्ड, जो फेसबुक के द्वारा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिब्रा। क्या नाम है उसका, लिब्रा, जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन टाइप की करेंसी चलती है, तो इस टाइप की करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी। तो वैसी एक करेंसी लॉन्च की है फेसबुक ने, जिसका नाम है लिब्रा। नेक्स्ट है द क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज बुक रिटन बाय, तो ये जो बुक लिखी गई है द क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज बुक, वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई आशीष रे के द्वारा। किसके द्वारा, आशीष रे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, वैन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओशन डे, जो वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ ओशन डे 2019, तो इसकी थीम थी जेंडर एंड द ओशन। क्या थी, जेंडर एंड द ओशन। नेक्स्ट है वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च बाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी फेमस रहा है। वन फैमिली वन जॉब स्कीम स्टार्ट की गई है सिक्किम के द्वारा। किसके द्वारा, सिक्किम के द्वारा स्टार्ट की गई है स्कीम। नेक्स्ट, वेयर हेल्ड अंबुबाची मेला, जो अंबुबाची मेला है एक, वो कहाँ पर मनाया जाता है, 2019 में कहाँ पर मनाया गया, वो मनाया गया गुवाहाटी में। कहाँ पर, गुवाहाटी में मनाया गया। ये जो लिखा हुआ है अंबुबाची मेला इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी, तो आप इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है, गुवाहाटी में मनाया जाता है, और जो ये कहाँ पर मनाया जाता है, कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, तो और कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी ये पूछ लेता है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में है, ठीक है, और ये गुवाहाटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये तो सबको पता होगा आई थिंक। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाता है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो कई बार आ चुका है आरआरबी में भी, एसएससी में भी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम इंटीग्रेटेड इन, जो इंडिया का पहला डायनासोर म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो किया गया है गुजरात में। कहाँ पर किया गया है, गुजरात में उसका उद्घाटन हुआ है डायनासोर म्यूजियम का। इंडिया का पहला म्यूजियम है, इंडिया का पहला डायनासोर म्यूजियम है, याद रखिए आप। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंट ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर है वो कौन है अभी करंट में, वो है अरविंद कुमार। कौन है वो, अरविंद कुमार है, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं अभी करंट के, अरविंद कुमार, याद रखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे, जो योगा डे मनाया जाता है वो कब मनाता है, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाता है, 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर पूछी जाए तो 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी। कब हुई थी, 2014 में स्टार्ट हुई थी, 2014 में स्टार्ट किया गया था। और जो अब मनाया गया है इस साल योगा डे, वो 5th योगा डे था। कौन सा था, 5th योगा डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ 5th इंटरनेशनल योगा डे 2019, जो 5वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 2019 में, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थी, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है हुज ऑटोबायोग्राफी इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो ये बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट, विच इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी विंस गोल्ड अवार्ड इन साउथ अफ्रीका, तो ऐसी कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की जिसने कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड जीता है, तो ये जीता है महिंद्रा ने। किसने, महिंद्रा ग्रुप ने जीता है गोल्ड अवार्ड साउथ अफ्रीका में। तो ये आपके 30 क्वेश्चन जितने मेरे को मिले मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़िए। अगर एक बार याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF में शेयर कर देता हूँ। नहीं तो अगर आप नई ग्रुप ज्वाइन कर सकते तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए istlearning.in, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा टॉप में ही, करंट अफेयर फॉर RRB NTPC 2019 के नाम से पोस्ट डली हुई है, उस पर क्लिक करके तो आपको सारी PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में अब जल्दी लेके आने वाला हूँ, अभी कुछ दिन से मैं एक्टिव नहीं था, कहीं बिजी था थोड़ा सा, तो अब मैं आ गया हूँ फटाफट से वीडियो लेके आऊँगा। तो आप उस वीडियो को लाइक करिए फटाफट जल्दी जल्दी, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे उसके बराबर में बेल का बटन होता है, उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने से क्या, हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहती है, जैसे कि मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।